पाकिस्तान का वो एक्टर है जिससे अमिताभ बच्चन भी फेल है। मोदी एक मदारी है, आपने रोड पे देखा होगा मदारी जब बिल्कुल भी बताते भीड़ लग जाती है, लोग तालियां मारने लगते हैं। मोदी उस कंडीशन का आदमी है कि भीड़ इकट्ठी करके तालियां बजवा के वोट ले लेता है। राम मंदिर बना उससे हमारा क्या लेना देना है, हमारे राम हमारे घर के अंदर हर एक का घर में है, हर एक के घर के अंदर राम की फोटो पड़ी हुई है। बीजेपी ने ये बताओ हमारे लिए क्या किया, जो आएगा वो फंसेगा ही फंसेगा, वो सब खाना सब नहीं है, लूट सबने मचा रखी है, लूट वाला कोई नहीं ऐसा बच्चा भाई का जिसने लूट नहीं करी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूँ आपके साथ मेघा भाटिया। आज मैं आ चुकी हूँ कृष्णा नगर में, दिल्ली का जो चुनाव है लोकसभा चुनाव की जो चरण है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, और उसके लिए उनसे यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारी जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है। इन सबसे सवाल करूँगी, दिल्ली में किसकी सरकार आएगी 2024 का, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसकी सरकार ने यहाँ पे काम किया किसकी नहीं, क्या क्या इनके मुद्दे हैं, सब सुनूँगी, सीधा जनता से ही जवाब लेती हूँ। क्या लग रहा है किसकी सरकार आए? बेटे ऐसा सरकार कोई भी आए, पहले हमें सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक हिंदुओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। 370 आप भी सोच सकते हो कि आज तक ज़िंदगी में कोई हल कर नहीं सकता था, तीन तलाक की ज़िंदगी में आज तक कोई सोच नहीं सकता था, कोई कर नहीं सकता था। आज हिंदू जो इकट्ठा कभी हो नहीं रहा था और हिंदू को फोड़ रहे थे, दुनिया कर रहे थे, आज हिंदुओं को एक करने के लिए जो एक व्यक्ति आज आ रहा है, जबकि हम पाकिस्तान से भी गिरे हुए लग सकते थे हिंदुओं में, तो आज जो एक व्यक्ति आया है हमारे हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है और हिंदुओं को नाम ले लीजिए उन व्यक्ति का, वो तो सारी दुनिया फिर बोलेगी हम लोग का तो मोदी मोदी बोलो जी मोदी मोदी मोदी। तो इसमें कई फायदे हैं, मोदी आएगा तो हिंदू अमर रहेगा, आज विदेश में चले जाओ कहीं चले जाओ, हमारे यहाँ तो कई उल्टे सीधे लोग हैं जो इसको गाली देते हैं, आज विदेश में जो चले जाएँ तो विदेश में इसका डंका गूंजता है, वो ऐसे कुछ ने पैसे नहीं खिलाए हुए सिर्फ इसलिए कि वो उसमें दम है। आज तक ये कश्मीर का मसला कोई हल कर सकता था? विपक्ष पार्टी से आपको ऐसा कोई नजर नहीं आता जो वो टक्कर दे पाए? वो टक्कर क्या, आप उनके चुटकुले सुनते हो, नहीं समझे? समझ गई मैं, आप उनके चुटकुले, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं वो आप, तो उनको ये देख लो उस लायक है। एक बार हमारे वो वकील थे कौन से सबसे बड़े, उनको इंटरव्यू आया था तो उनसे पूछा गया कि इसकी आपके सामने क्या वैल्यू है, तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना अपने लेबर के लिए या अपने चपरासी के लिए, वो कहते मैं उसको चपरासी ना रखूँ तो आप खुद समझदार हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है। ठीक है, यहाँ अंकल बीजेपी को सीधा स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर, सर क्या आप क्या कहना मैं कह रहे आप मैं सुन रही थी, बोल देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है पर जो उसके आगे के जो एमपी हैं वो सही नहीं है। अच्छा। इस एरिया में आपके हिसाब से काम भी नहीं आया? नहीं आया, एक बार एक बारी भी नहीं आया, और जो कारपोरेशन का वो भी नहीं आया। क्या मुद्दे है सर, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे क्या क्या काम नहीं हुआ पिछले वर्ष? कोई भी काम नहीं हुआ जी, सड़कें सारी गंदी हैं, पार्क के अंदर सफाई नहीं होती, पार्क के अंदर लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। और बाकी पार्क के अलावा? हाँ जी, पार्क के अलावा सर बाहर का अगर मैं बोलूं, जैसे कृष्णा नगर बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर ईस्ट दिल्ली में आपको उसका, दिल्ली में जी हर जगह का यही हाल है जी, ना कोई एमपी आता है, ना कोई विधानसभा का आता है, ना कोई कारपोरेटर वाला आता है। मोदी जी को पसंद करते हैं? हम तो हैं मोदी। अच्छा, हम तो फिर आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे उनको वोट उनको पसंद कर सर? अब एक आदमी कहते हैं तालाब की एक मछली अच्छी हो तो पूरा अच्छा होता है, एक गंदी हो तो सब गंदा कर, मतलब मोदी जी आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जो उनके अंडर है वो काम नहीं कर रहे। तो क्या आप क्या उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे कि अपनी जो बैकबोन है उसको स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें जी, उनको चाबुक से करें जी, जैसे वो खुद मेहनत कर रहे हैं वैसे सबसे मेहनत करवाएं जी। उनमें से एक आदमी बहुत अच्छा है जी, गडकरी साहब बहुत नंबर वन का। हाँ जी, आप क्या चाह रहे हैं किसकी सरकार? मैं तो जो मर्जी आया जाए हमारे को कोई लेना देना नहीं है। क्यों सर? हमारे ऐसा क्या? क्या उन्होंने कुछ दे देना है, क्या हमने कुछ ले लेना है? तू यहाँ का रहने वाला? नहीं, रहने वाला हूँ तो क्या हुआ? तो किसी को तो वोट देंगे, अब दिल्ली के जो चुनाव है मतदान है बहुत नजदीक है, कांग्रेस को देते? कांग्रेस को क्यों? खुद पप्पू है, हमारे को अच्छा लगता है। क्या है? पप्पू है ये। अच्छा, ऐसा देखो अंकल क्या कह रहे हैं, वरिष्ठ लग रहे हैं ये सारे मेरे साथ जितने भी हैं, ऐसा काफी वरिष्ठ चल जाएगा कौन पप्पू है कौन नहीं है। तू तो शक्ल से दिखाई दे रहा हूँ पप्पू, कर लो पप्पू आएगा ना, पप्पू ही आएगा।
किन मुद्दों पे आप उनको वोट देना चाह रहे हैं? मैं उन्हें अच्छा काम कर रहा है सब, कोई अच्छा काम किया काम बढ़िया करे। मोदी ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है अंकल। तो अभी इतने सारे पॉइंट अंकल, इतने सारे केजरीवाल को आपने इधर आ जाओ, हम खुल के बात कर सकते हो ना हर के बारे में, वो मोदी की वजह से कर सकते हो। केजरीवाल को किस वजह से बंद करा दिया है? केजरीवाल को उस कोई उसके बाद घोटाला मिला है? कोई घोटाला नहीं मिला उसके बाद। आज सबसे एक 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 करके आज तक उसके पास कुछ भी सबूत नहीं निकला है। छह महीने बाद उसको छुट्टी कर दीजिए। उसने शराब का घोटाला किया है, सुनो, शराब का घोटाला किया है और जो एविडेंस है उसके खिलाफ तो तभी किया है। आपको एविडेंस तो सर अभी तक नहीं मिल पाए ऐसे। उसके 2600 टेलीफोन जिनमें वो सारा का रिकॉर्डिंग है, वो 2600 टेलीफोन कहाँ गया? तो रिकॉर्डिंग तो आ नहीं पा रही है ना सर अभी। ईडी ने कोई 170 फोन काटे तोड़े उन्होंने, घोटाला किए तभी तो तोड़े है ना। 170 फोन बहुत बड़े सबूत होते हैं, इससे बड़ा सबूत नहीं होता। 170 फुसूर अब सारे जब जब अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी में कोई नहीं है ऐसा करप्टेड इंसान? नहीं देखो, इंसान हर करप्ट होता है। मैं तो कहता हूँ आप में भी करप्ट है, सब में करप्ट है, हमें भी करप्ट है, हमें भी आप प्रदेश में भी करप्ट है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन है। राजीव शुक्ला बिका हुआ है और चंदन मित्र बिका हुआ है जो कांग्रेस के जब ऑब्जर्वर। बीजेपी में आपके हिसाब से कौन कौन बिका? बीजेपी में कहीं बिके हुए हैं, अब क्या बताया किसको, जो काम नहीं करेगा वो बिका हुआ है। सबसे ज्यादा अमित शाह बिका हुआ है जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिका हुआ है जी सबसे ज्यादा। क्यों सर? सब काम वही करवा रहा है जी, सब काम वही करवा रहा है जी। मोदी नहीं कर रहा सारा काम, गृह मंत्री जी ये सारे काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं बग्गा के पास गया था, सड़क हमारी टूटी हुई थी गली की, कहता जी बीजेपी वाले बनवाएंगे। बग्गा ने क्लियर मना कर दिया आप लड़कों को, कहते बीजेपी वाले बनाएंगे। क्या बीजेपी का एरिया? बीजेपी का एरिया है क्या? और अंकल आपको क्या लगता है बीजेपी का आप लिस्ट में से आप कोई ऐसा आपको लगता है? बीजेपी में जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा सीधी बात। आपके यहाँ पे कौन आपके यहाँ कौन काम? देखो जी मेन जो है देखो हमारे को देश की सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, है महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, और ये भ्रष्टाचार जो कम हो रहा है इसको कम और होना चाहिए। गृह मंत्री जी पे जैसे अमित शाह जी पे वो उन्होंने अभी बोला इल्जाम लगाया उस पे आपका क्या? आपका गृह मंत्री है और देश की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है और भ्रष्टाचार घर की सुरक्षा घर के लोग तो कह रहे हैं दूसरी पार्टी की कि वही ऐसा है जो चिल्ला रहे हैं देश को, वही है जो निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो दूसरी विपक्ष पार्टी है वो कह रहे हैं कि इनके अंदर ये गृह मंत्री जी है। आप देखो 370 ढाई देश को कितना सुरक्षित किया, नहीं तो रोज धमाके होते थे और कहीं आज या घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इलेक्ट्रो बॉन्ड पे आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रो बॉन्ड पे अब सबसे ज्यादा देख लो सबसे ज्यादा बीजेपी चल रही है, बीजेपी का चल रहा है उसमें क्या दिक्कत नहीं है। आप घोटाला हुआ है इलेक्ट्रो बॉन्ड में आपको वो पता है? बॉन्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ। आप देखो अब मैं बता रहा हूँ जो इस पे आप क्या सवाल, जो इलेक्ट्रो बोर्ड का बात है। अब देखो पहले क्या था, पार्टी को पैसा जाता था है, अब पार्टी को पैसा इन्होंने 20 लाख दिया है, 10 लाख 5 लाख अपनी पार्टी को दिया, 15 लाख आप खा गए। अब इलेक्ट्रो बोर्ड में क्या था, पैसा सारा बॉन्ड के रूम में आया। एक तो बैंक की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी और उसका जब मर्जी उसका हिसाब ले सकते हैं बैंक से। दे तो नहीं रही ना कोर्ट के आर्डर से, दिया नहीं दिया अभी सबका, दिया नहीं दिया किस किस पार्टी ने क्या क्या दिया, दिया नहीं दिया अभी आपको, दिया ना उसने इलेक्ट्रो बॉन्ड दिया सर? नहीं दिया इलेक्ट्रो बॉन्ड पे तो बीजेपी बात ही नहीं कर रही है, इतने घोटाले। अच्छा ठीक है, जो ब्लैक मनी थी सर, ब्लैक मनी थी जो सर, उसका जो पैसा आया उसका वो क्या, उसका कोई हिसाब? ब्लैक मनी आई नहीं सर, ब्लैक मनी आई है 4000 करोड़ से ज्यादा आया, तो उसका हिसाब गवर्नमेंट देगी। ठीक है, जनता की बोला था सर, जनता के हर एक अकाउंट में 15 लाख आए क्या? मेरी बात सुनो, जब आप अच्छा आपको मिला है सर 20 लाख मिला, हमें खुशी है कि हमारे बच्चे सुरक्षा, हमारे सब कुछ सुरक्षा। हाँ जी आपकी शादी है ये, हम आशीर्वाद देंगे आप 7 बच्चों की माँ बनो। अब नेचुरली वो पक्का है आपके 7 बच्चों की माँ बनोगे या नहीं बनोगे? नहीं सर, लेकिन आप ये समझ। हाँ जी नहीं, 15 लाख वैसे नकद नहीं आया, लोगों ने अपनी तरक्की करके 15 लाख से ज्यादा कमा लिए। आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे सहमत हूँ। जो 15 लाख नहीं आए पर लोगों के पास 20-35 लाख का प्रॉफिट आ गया। ठीक है। पहले इनकम में कितना छूट थी इनकम टैक्स में? ठीक है अंकल, आप इनकम टैक्स में पहले बताइए कितनी छूट थी? क्या कह रहे हैं ये, इलेक्ट्रो बॉन्ड पे कोई बात नहीं कर रहे इसके बारे में तो कुछ? ठीक है सर, आपको उसके बारे में नोटबंदी हुई?
कह रहे थे कि ब्लैक मनी लोगों का ले रहे हैं। ये अभी तक कुछ भी नहीं आया, एक रुपया भी नहीं आया, सब नोटबंदी की बात कर रहे हैं ना आप? एक सेकंड, 0.03% पैसा वापस नहीं आया नोटबंदी के अंदर। 80,000 करोड़ रुपए नोटबंदी के अंदर गवर्नमेंट ने खर्च किया नए नोट छापने के लिए, और 3,000 करोड़ वो पैसा जो आया, जो आया ही नहीं, आए ही नहीं। 3,000 करोड़ वापसी नहीं आया, जैसे आपके मेरे घरों में रह गए 500 के 1,000 के नोट, वो वापसी नहीं आया, बाकी सारा पैसा वापस आ गया। ब्लैक मनी थी कहाँ? 15 लाख करोड़ की, नंबर एक। 80,000 ब्लैक मनी ही नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। गवर्नमेंट के हिसाब से आप देखो पाकिस्तान दिवालिया हुआ, किस वजह से? आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से, आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से 0.03% पैसा वापस नहीं आया, तो उसका मतलब 3,000 करोड़ वापस नहीं आया। 80,000 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया नए नोट छापने और करेंसी बनाने में, 77,000 करोड़ का इस देश को घाटा दिया है नया नोटबंदी के अंदर। अब आप, मैं बता रहा हूँ, 77,000 करोड़ का कोई घाटा नहीं हुआ। आप बता रहा हूँ, मैं जवाब, आप देखिए, आप ठीक है, आप इनकी भी तो सुनिए सर, 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 रिजाइन कर चुके हैं मैडम, आरबीआई का गवर्नर रिजाइन कर सकता है? आरबीआई का गवर्नर रिजाइन कर चुका है। आप इनकी बात सुनिए, अब मैं इनकी बात क्या सुनूं? मैं बता रहा हूँ, देखो आप देखो, पाकिस्तान में जो आतंकवादी काम होते थे यहाँ पे इंडिया में, वो सारा पैसा आतंकवादी छापते, वहाँ जो कंपनी इंग्लैंड में थी, जो नोट छापने वाला कागज आता था, नोट छापने वाला, जो नोट छापने का कागज आता था, वो कंपनी इंग्लैंड की थी, नोट छापने वाली कागज की इंग्लैंड की कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी, वही कागज उसने, वही कागज उसने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने जाली नोट यहाँ खपाया। पाकिस्तान का नोट छपा हुआ ना, एक सेकंड चुप करना आप। हमारे करेंसी कितने प्रकार, कितने कलर में थी, कितने कलर में थी आज से पहले हमारी करेंसी? आप नोट उठा के देखिए, 10 का उठा के देखिए, 20 का उठा के, 100 का देखिए, 500 का देखिए, नोट उठा के, सब में करेंसी जो पाकिस्तान के कलर है वो हमारी करेंसी में चल रहा है। आप उठा के देखिए नोट, जो कलर, एक नकली असली की बात नहीं है, नकली असली की बात नहीं है, वही कलर वहाँ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, वही इंडिया के अंदर है सर, कलर वही है। आप उठा के देखिए, मिलाइए फिर। तो आप किसको इस बारे क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? देखिए, हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं बीजेपी वाले, केजरीवाल कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो हिंदू की डेफिनेशन ही कोई नहीं है, हम कहते हैं अपने आप को सब हिंदू हैं, हम सनातन हैं या आर्य हैं, हिंदू फारसी या अरबी का शब्द है, मैडम एक सेकंड सर, फारसी अरबी का शब्द है, हमें नहीं पता अरबी या फारसी के अंदर हिंदू शब्द को गाली कहा जाता हो, कोई गाली हो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नाम अकबर ने दिया था, उससे पहले भारतवर्ष था, ठीक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आजकल मोदी जी बड़ी बात कर रहे हैं अपनी रैली में हिंदी, हिंदू मुस्लिम की सर, ये आपको क्या सही लगता है सर? नहीं, गलत है, ये आपको सही लगता है क्या सर? एक मिनट, बहुत बात करते हैं, चलिए पहले इनकी सुन लेते हैं। ये नाले पे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद कहाँ बनी, दिखाइए आप मेरे को एक भी। ठीक है, ठीक, नाले पे मस्जिद दिखा दो आप मेरे को, मेरे को नाले पे मस्जिद दिखाओ, मैं चलता हूँ आपके साथ। घर के ऊपर बने हुए हैं, जो मस्जिद बन जाए वो इनको अच्छा लगता है, ठीक है सर, लेकिन यहाँ माहौल बहुत गर्म हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर। एक मस्जिद में आपको नहीं मिलेगा, एक गुरुद्वारा नहीं मिलेगा, एक चर्च नहीं मिलेगा, एक चर्च नहीं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ और बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्यों? बीजेपी ने बताओ क्या किया, नहीं बताओ ना क्या किया बीजेपी ने, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। 370, मेरा नाम वासुदेव शर्मा है, 370 उससे हमारा क्या लेना देना है? राम मंदिर बना, उससे हमारा क्या लेना देना है? हमारे राम हमारे घर के अंदर, हर एक के घर में है, हर एक के घर के अंदर राम की फोटो पड़ी हुई है। बीजेपी ने ये बताओ हमारे लिए क्या किया, आप ये एग्जांपल दो मुझे भाई, ये किया बताओ। 370 हटाया, ठीक है, CA लगाया सर। देखिए आप उससे सवाल करें, मैं अब उनके काम समझा रही हूँ, उनके हिसाब से वो राम लल्ला लेके आए, उनके हिसाब से जो जुमलेबाजी करी थी 15 लाख की, उन्होंने 15 लाख दिए। 370 हटने से आम नागरिक को क्या फायदा है? राम मंदिर बनने से आम नागरिक को क्या फायदा है? 15 लाख आए आपके अकाउंट पे, 15 लाख का बात करी आप, मैं आपको सिर्फ उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा, उनको हिंदू मुस्लिम, सर प्लीज सबकी बात सुनने दीजिए, आपकी बात सुन रही हूँ ना मैं सर, उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं पता, काका गा भी नहीं पता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हर कदम पे। अब राम नाम पर मंदिर बनाया, अब उस पर वोट चाहिए, ठीक है, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया।
इनके हिसाब से मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हाँ जी, नोटबंदी में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ मंदिर गुरुद्वारों को हुआ, लोगों ने बहुत बहुत पैसे चढ़ाए, बोरियों की बोरी चढ़ा दी, जबकि नहीं चढ़े, कह रहे फायदा नहीं हुआ, मंदिरों को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, नोटबंदी की बात हो गई, जवाब बस, क्या लग रहा है सर किसकी सरकार आ सरकार जी कांग्रेस की आएगी अब के। क्यों सर? क्यों, देखो जी हम तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं। क्यों सर? हमारा नाम है ना हम देते, सीधी सी बात है। क्या नाम नहीं है आपका? के मुस्लिम समाज वोट नहीं देता बीजेपी में, इसलिए हम जो है ना तो वोट देते ना हम कभी देंगे भाजपा में। हम गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार को जिताएंगे हम तो। आम आदमी पार्टी के ऊपर आपका क्या विचार है? केजरीवाल जी को जो शराब घोटाले में अंदर किया उस पर आपका क्या? झूठ है ये सब, झूठ है। क्या लगता है चुनाव से पहले बाहर आ पाएंगे? चुनाव से पहले तो बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों, आपको क्या लगता है सिर्फ चुनाव का जब समय आया तभी अंदर डाल दिया गया? ये देखो जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको चाहे उसको अंदर कर दो, जिसको चाहे उसको छोड़ दो। जो आज तक इतने बड़े बड़े दागी नेता जो हैं वो भाजपा में गए, वॉशिंग मशीन में धो दिया और उनको पाक साफ हो गए बिल्कुल। अच्छा जी, इतने बड़े बड़े दागी नेता गए हैं और जी अजीत पवार को ही देख लो, अजीत पवार है और इनके पास जितने भी नेता गए हैं वो क्लियर ही हो गए हैं। ये लवली भी गया था अपना बिल्कुल क्लियर होके फिर दोबारा कांग्रेस में आ गया। फिर ठीक है, हाँ जी जवाब ले लेते सर। ठीक है, आपने कहा, उन्होंने कहा जी मैं वोट नहीं दूंगा, ये नहीं हिंदू मुसलमान ये वो। पहले तो ये जितना भी काम मोदी साहब ने किया है, पहले ये मेरे को छोटी सी बात का जवाब दे दो, उसने हिंदू मुसलमान देख के किया जो उसका कोई फायदा नहीं। सर अगर उन्होंने हिंदू मुसलमान देख के नहीं किया तो अपनी रैली में बार बार हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं सर? ये करते हैं उसका नहीं सर, ये तो आ रहे सर कोई बात ही नहीं करी आज तक, हमारा तो कोई सरबरा ही नहीं है यहाँ पे। आप भी बात बोलो है, हमारा तो कोई रहनुमा ही नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग आदमी है, थोड़े से हिले हुए हैं, इनकी बात का बुरा मत मानना बिल्कुल। हाँ जी, आपको क्या लगता है जो ये मोदी जी रैली में बार बार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ठीक है सिर्फ अभी क्यों बात कर रहे हैं? पहला चरण हो गया, ठीक है अब क्यों बात कर रहे हैं बैक टू बैक रैली? ये कहता हूँ जी, इनको जो चार चरण किया है इनकी मशीन में हेराफेरी करवाएंगे, जो टाइम लिया 2 महीने का 3 महीने का, वोटिंग विद इन वीक अंदर होनी चाहिए बस। केजरीवाल को इसलिए बंद किया, वो प्रचार करता यूपी में बिहार में करता और सीटें ज्यादा ले जाता, उसको दबाया गया बस और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार डर गई है केजरीवाल जी से? बिल्कुल डरी हुई है जी, तभी अंदर किया जी। ममता बनर्जी को भी बोलने की तमीज नहीं है, ओ ऐसे बोलता है, ऐसे बोलने की आपके हिसाब से महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं? नहीं है मोदी को, नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है जी। उन्होंने इतना पैसा बैंक लोन ले रखा है जी, सब पीएमओ में ऑफिस में जा रहा है जी, रिजर्व बैंक को उन्होंने इतना घोटाला किया आपको मालूम नहीं है। यूट्यूब बिका हुआ है जी, पूरा चैनल बिका हुआ है जी, सुभाष चंद्रा भी बिका हुआ है जी, करनाल से एमपी है, सबसे ज्यादा बिका हुआ वही है जी। सर जवाब क्या देंगे आप इस पे? बात अब क्या कहें, जो एक चीज आप कह रहे हो गलत है, हम कह रहे हैं सही है, उसके ऊपर बहस करने से यही है ना, आप हकीकत देखो, आप ये कह रहे हैं एलिगेशन है, उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो इनके ऊपर, जब वो भी जो बंद है तो उसकी किसी कानूनी वजह, आपको बताया ना कि 26 टेलीफोन जो थे जिसमें वो सब चीज़ रिगार्डिंग है, अब वो 26 टेलीफोन सामने आ जाएं तो उसमें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं समझे? जब वो आएंगे तब तो वो आएंगे, एविडेंस अभी नहीं आए। युवा भी मेरे साथ है, क्या लग रहा है युवा हो, वोट डाला इससे पहले? नहीं अभी तक। अभी इस बार है बनवाया? हाँ इस बार बनवाया। डालोगे इस बार पहला वोट? हाँ जी। कितने आप उत्सुक हो वोट डालने के? बहुत टाइम से था पहले मगर बना नहीं था, इस बार डालूंगा जरूर। इस बार ही किसको डालने जाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि उनके वो तो काम सही हुआ है। क्या काम सही कि मतलब सब तरफ की सफाई वफाई जो भी काम धंधा सफाई हुई है। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, इतना कूड़ा पड़ा हुआ मुझे नजर आया इस एरिया में। स्कूल अच्छे बने? स्कूल अच्छे बने हाँ, तो में वो जो भी है सही काम मिला। अच्छा। देखो जी, इस चक्कर सबके लिए डायरेक्ट लाइट फ्री करी है, सब ये अनाउंस कर रहे हैं,
ये कुछ करेंगे नहीं, ये सिर्फ घोटाला करेंगे। और दो आदमियों को बनाएंगे जी, एक अडानी को और एक अंबानी को, अंबानी को नहीं, अमित शाह को, बस बस। आप क्या कह रहे हैं सर, क्या? देखो उन्होंने तो स्कूल वगैरह सब बढ़िया बनाए हैं आम आदमी पार्टी ने, स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं, और काम भी बहुत बढ़िया किया है। जब लोग वहाँ कहते थे कि एक के साथ में दो बोतल लेने जा रहे हैं, फट से ठेके पे पहुँच जाते थे, आज उसको बंद करा दिया तो कोई उसके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करता है, सब लेने जाते थे। जो इनको पूछो जी क्या कह रहे हैं सर, बस पीने वालों की गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों लेने जाते थे, अंधे हो गए थे उस टाइम, लाभ भी थे, फ्री का माल मिलता था, फ्री का माल मिल रहा था, एक के साथ दो मिल रही थी, मत जाते मत जाते, उसको गलत कह रहे हैं, वो बंदा सही है उसको गलत कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार क्यों सर? उससे उसी की है, मोदी के नाम पे ही है सब कुछ, टोटली मोदी के नाम पे। और क्या नहीं, मोदी के नाम पे सिर्फ शक्ल देख के वोट या उनके काम देख के? काम पे भी और उनके शक्ल पे भी, दोनों पे ही है। खाली इकलौते वही दमदार है और कोई भी नहीं। ऐसा क्यों सर, पहले क्या इससे पहले 10 साल पहले क्या सरकार काम नहीं करती? कांग्रेस की सरकार थी ना, तो वही मैं पूछ रही हूँ, काम नहीं करती बीजेपी का, तब वो कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस के ही कई साल चलते रहे, इस टाइम सिर्फ बीजेपी की ही राज। और मोदी है जी, वो एक वक्ता है जी, जैसे मुरारी बापू, आसाराम बापू प्रवचन अच्छे देता करता कुछ नहीं है, आसाराम भी जेल में है। जब सरकार कांग्रेस की आएगी या उनकी आएगी, सबसे पहले ये भागेंगे। वो तो पता लगेगा कि कौन जीतेगा, उसके बाद कौन अंदर जाता है कौन बाहर आता है, ये तो जो भी ये जो घोटाले उजागर होंगे तो पता लगेगा उनका। ठीक है ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आ सकती है? यही जीतेंगे जी, जिनको बंद कर रखा है इन्होंने, अंदर बंद कर अंदर से ही जीतेंगे। कौन सर? ये केजरीवाल जी अंदर से ही जीतेंगे। कौन सर? केजरीवाल जी अंदर से ही जीतेंगे। अच्छा क्यों, आपको क्या लग रहा है अंदर से कैसे सरकार चलेगी? पानी बत्ती सत्ती सब कुछ फ्री है, अब मोदी फ्री भी के, फ्री के बेस पे सिर्फ आप उनको वोट दे। फ्री पे नहीं, काम भी करा उन्होंने, काम भी करा। ये जो राशन पे कनके बेच रहा है, ये कनक बेच रहा है, ये खाने वाली कनक है, ये मोदी खा के दिखाए रोटी एक आधी, मैं मानू मोदी को, मोदी ने एक रोटी खाई है। अच्छा जो राशन का आटा आ रहा है वो अच्छा नहीं है? अजी मैं कह रहा हूँ कुत्ते नहीं खा सकते उसको, ऐसा राशन बेच रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं जी, फ्री में दे रहे हैं। मत बोलना, नहीं तो ईडी से आपको जेल बंद करवा दे। कोई बात नहीं, देखी जाएगी। वैसे कौन से बाहर है? हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? मोदी बारे में पूछना चाहते हैं आप? मोदी जी के बारे में पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में, या मोदी दामोदर दास मोदी के बारे में पूछना चाहते हैं, या मोदी चाय वाले के बारे में पूछना चाहते हैं? सब एक ही है सर, सब एक ही है ना। मोदी हिंदुस्तान का वो एक्टर है जिससे अमिताभ बच्चन भी फेल है। मोदी एक मदारी है, आपने रोड पे देखा होगा मदारी, जब डुगडुगी बजाते भीड़ लग जाती है, लोग तालियां मारने लगते हैं। मोदी उस कंडीशन का आदमी है कि भीड़ इकट्ठी करके तालियां बजवा के वोट ले लेता है, भोली भाली आदमी। आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं, देश के लिए एक अच्छा काम किया, इन्होंने हथियार खरीदे हैं, 537 करोड़ का रफेल 1657 करोड़ में खरीदा, जो कांग्रेस ले रही थी 557 करोड़ या 37 करोड़ का, इन्होंने 1657 करोड़ का रफेल खरीदा। उसकी जांच फ्रांस में चल रही है, आज फ्रांस में जांच चल रही है उस घोटाले के लिए। रह गया बाउंड का मामला, तो बाउंड जो है वो सारे इन्हीं के पल्ले क्यों गए हैं? सारी कंपनियों दी है, सबसे ज़्यादा इसी को क्यों दिया है? और जो चीज़ आदमी कर देता है, दवाई वालों से पैसे इनको मिल गए, इनकी जेब में सैंपल फेल हुए, इनके हिसाब से कांग्रेस सर। अच्छा जो हथियार इसने खरीदा, रुपये का माल 5 में खरीदा है, ठीक है उसमें अच्छा है, बाकी मोदी 99 जगह फेल है कारोबार। लोग तो कह रहे हैं कि जो विदेश में भी काफी नाम नहीं है, वो क्या करेंगे दाल रोटी से? मैं हम परेशान है, आज देखिए क्या हाल है बेरोजगारी का, पूछ रहा कोई रोजगार से? तो सर युवा बहुत परेशान है, युवा क्या बुढ़े परेशान है, बुढ़ा 65 साल का, मुझे कहो क्या। अभी मोदी जी ने सीधा सीधा भी रैली में कहा है, 70 साल से जो ऊपर लोग हैं ना, अगर वो अपने बच्चों को बोझ नहीं बनना चाहते उनके ऊपर, मैं उनका बेटा बनूंगा, मैं उनके सारा बेटा तो बाद में बनेगा, बाप बन के पहले लूट चुका सबको। हाँ जी, 13,860 करोड़ का घोटाला हुआ था शाह का, गुजरात में आया था, जी न्यूज़ के ऊपर कैमरे पे वो बंदा आया था, वो 13,860 करोड़ ब्लैक मनी जी थी, आज तक नहीं पता नोटबंदी के टाइम पे, आप चेक कर लेना जी न्यूज़ को। बाहर के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े लोग मोदी को स्पेशल अपनी कंट्री में बुलवाते हैं, वो किस लिए बुलवाते हैं? वो मोदी के अंदर कुछ होगा तभी बुलवाते हैं। ये तो कह रहे मोदी जी में बहुत बात है, मोदी मदारी है। मैंने बोला ना मोदी मदारी है, रोड पे जैसे मजमा लगाया जाता वैसे है, वो हाल है। इनके हिसाब से डमरू बजता है और लोग हाँ ये बजाते हैं ना,
बजाते हैं ये, हम तो जाते नहीं। अभी तो आप पीछे खड़े होके कह रहे थे अगर केजरीवाल जी ने नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि अगर दारू अगर एक से एक फ्री मिल रही है एक के साथ एक तो ना जाते लोग लेने। हाँ तो बिल्कुल मैं कहता हूँ ना जाते, क्यों गए, क्यों गए लेने, तो मतलब लोगों की गलती है ना, केजरीवाल जी की गलती नहीं आपके साथ। बिल्कुल घोटाला किया, फ्री दी है, घोटाला ही तो किया उन्होंने, और क्या कर रहा है, केस कागज चल रहा है, जेल में क्यों बैठे हैं वो, उन्होंने घोटाला तो किया है। सबूत कहाँ है सर? सबूत के सबूत तो आगे जाएंगे, कोर्ट में है, सीडी के पास है, ईडी के पास है, सबके हिसाब से अब उनको अंदर ही रहेंगे सारे। बीजेपी में सारे क्लीन चिट आपके साथ, बीजेपी में कोई घोटाले नहीं हुए, बीजेपी में ऐसा। देखो मैडम आप जो पूछ रही है हम उसका जवाब दे रहे हैं, आपसे मैं पूछ रही हूँ, घोटाले सब करती है सारी कंपनी, सारी करती है पॉलिटिक्स, जितनी भी पॉलिटिक्स है सारी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, पास अभी केजरीवाल, अब केजरीवाल ही फंसेंगे, जो आएगा वो फंसेगा ही फंसेगा, जो सब खाना सब नहीं है, लूट सबने मचा रखी है, लूट वाला कोई नहीं ऐसा बच्चा भाई का लाल जिसने लूट नहीं करी हो, लूट सारे लूट हो जाता, जो इतने बड़ा घोटाला हुआ है, जो ये अंतरी मंत्री संतरी जो अंदर पड़े हैं वो कुछ ना कुछ केजरीवाल का भी कुछ रोल होगा, जो आज उसको वो पकड़ा गया है, ईडी के पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा, आने वाले टाइम पे कोर्ट दिखा देगी उसको, उसको बेल क्यों नहीं मिल रही फिर? ठीक है सर, आप ठीक है, ठीक है। मोदी के टाइम में ना 2.05 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया इंडिया, 2.05 अब कहते हैं जी हमारा देश तरक्की कर रहा है, कहाँ तरक्की कर रहा है मैडम? ये कह रहा था कमाना तो जैसे मैं अब बुजुर्ग आदमी हूँ, ना कोई पेंशन आ रही है, ना केजरीवाल से आ रही है, ना मोदी से आ रही है, मैं कुछ कमाऊँगा अपने लिए कमाऊँगा, दाल रोटी मैं तभी कमाऊँगा, तभी आएगी, कमाना मुझे ही पड़ेगा, जीते कोई भी। सर रोजगार का जो एक जो मुद्दा है ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल रोजगार तो है, हम तो कहते हैं नहीं है, कहाँ है, कहाँ दी उन्होंने सरकार, दे दें कुछ, कोई नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की दे दें, वहाँ लाठी लेके बैठ देंगे गेट पे, शाम को दो रोटी तो मिल जाएंगी। ठीक है सर, आप ये देखो हम बस्ता लेके पानी लेके आते हैं यहाँ पर, हमारे को पानी तो नहीं लेके आना पड़ेगा, यहाँ कुछ लेके तो हमें कुछ धंधा मिलेगा तो हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे, ना पेंशन पेंशन नहीं आती, पेंशन दे रहे ना मोदी दे रहा है, काम है नहीं की हो गई है, ये बड़े बड़े बोलते तो हैं, अब हमें कुछ मिले तभी ना, सब जगह अच्छा काम हो रहा है जी, बहुत अच्छा काम, ये तो हर पार्क में चले जाओ, हर जगह पे चले जाओ, अगर आप कह रहे हो कि भारत का वो देते हैं वो नारा और यहाँ पे तो एक बात बताओ ना, अगर केजरीवाल की सरकार होगी तो कौन सा वहाँ सफाई होनी है ये बताओ, यहाँ का जो बीजेपी का जीता है ना यहाँ पर वो कुछ नहीं काम कर रहा, आपके हिसाब से जो उनके अंडर काम है वो नहीं करता, वो कुछ काम नहीं करता राजू शाही, ये पार्क उसी के अंडर में आता है, कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं करता राजू शाही। देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे साथ लोग हैं उन्होंने कांग्रेस की भी सरकार देखी हुई है और इन्होंने उनका भी काम देखा है, बीजेपी का भी 10 सालों से काम देख रहे हैं। हाँ जी सर, अभी मैं झांसी गया था, हाँ जी सर, ऐसा बना दिया जैसे सोने की चिड़िया हो, एक तिल एक तीला नहीं था वहाँ पर, अच्छा पूरी सड़कों में क्या गलियों में क्या सब जगह ऐसा बना दिया जैसे सोने की चिड़िया हो झांसी। अच्छा, आपके हिसाब से विकास हो रहा है इसका मतलब? विकास तो बहुत हो रहा है, इसका मतलब आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ जी राजू साई की जो बात कर रहे हैं, हर वीक हफ्ते में 2 दफे सफाई होती है, बुधवार और मंगल, बुधवार और संडे को सफाई होती है, आज सैटरडे कल संडे, क्योंकि थोड़ी स्टाफ कमी होने की वजह से उसके पास देखो हर चीजें पूरी नहीं होती। हाँ जी सर, आप क्या चाह रहे हैं? ये 4 दिन को 1 लाख रुपए मिलना दो सरकार से, तभी सरकार बुराई करेंगे। अच्छा। बस मैं यही कह रहा हूँ, तो मतलब आप किसके साथ है? बीजेपी के साथ? हम बीजेपी के साथ हैं और सारे बीजेपी के साथ हैं। हाँ तो आप कांग्रेस वाले जी का पकड़े हैं, वो तो कांग्रेस जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पक्के कांग्रेस जी, हम तो पक्के कांग्रेस जी हैं, जाएंगे बीजेपी के पास ही है, ध्यान रखना। ये क्या कह रहे हैं आप, वोट मतलब अभी आप कांग्रेस की तारीफ? क्या बोलो, कोई भी मैं देखता कांग्रेस को ही वोट हूँ, चाहे पक्के कांग्रेस ही लग रहे हैं अंकल। बिल्कुल जी, वोट दिया, ठीक है। हाँ इनके हिसाब से अपना वोट वेस्ट कर, वोट दिया था एक बारी, वोट दिया था मैंने जिस टाइम इंदिरा गांधी मरी थी। हाँ चलिए ठीक है, आज हमने इन सब की राय सुनी। देखिए मेरे साथ आसपास जितने भी आप लोगों ने अभी लोग देखे वो सब बहुत उम्र में बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और उन लोगों ने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, उनका काम भी देखा और बीजेपी का भी काम देखा, तो उनके हिसाब से
आप लोगों ने सुने होंगे क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप सबके अपने अपने विचार होते हैं। आपकी बिल्कुल सच है बात सर, सबके अपने विचार है और हम ये किस्सा कुर्सी के माध्यम से लोगों की क्या राय है वही दिखाते हैं और हर एक एक लोकेशन से मैं आपको दिखाती हूँ कि लोगों की उस एरिया की क्या राय है, किसकी सरकार चाह रही है और किसकी नहीं। लेकिन देखिए फैसला हर बार कहती हूँ 4 जून को सबको पता चल जाएगा किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं, लेकिन आप बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।